यूजुअली जब हम अपने पसंद के कोर्स को परस्यू करने के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खोजना शुरू करते हैं तो इंटरनेट ही हमारा सहारा होता है। पर जैसे ही हम अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं, दो तीन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की वेबसाइट सर्च करते हैं, उसके बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला अच्छा है, कि ये वाला अच्छा है, या हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। ऐसा होने के बाद हमें धीरे धीरे लगने लग जाता है कि यार ये प्रोसेस तो बहुत ही टफ और कंफ्यूजिंग है, तो काश कोई हमारे लिए ये कोर्स खोज देता, काश कोई हमारे हिस्से की मेहनत कर देता ताकि हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके, ताकि हमें मेहनत ना करना पड़े। और इसी विचार के साथ फिर धीरे धीरे ये भी दिमाग में आता है कि किसी टीचर से पूछ लेते हैं, अपने किसी कॉलेज के सीनियर से पूछ लेते हैं, किसी दोस्त से पूछ लेते हैं, अपने ऑफिस में किसी कलीग से पूछ लेते हैं, या जो भी इंसान जिसे हमें देख के लगता है कि यार ये बता सकता है। जब इनमें से कोई भी हमारे क्वेश्चन या फिर हमारे कंसर्न को सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं दे पाता तो थक हार कर चारा बचता है काउंसलर के दरवाजे पे दस्तक देने का। और यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काउंसलर की मदद लेना गलत है, पर बिना अपनी रिसर्च किए उसके पास जाना गलत है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काउंसलर के चक्कर में बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे अनप्रोफेशनल और अनएथिकल काउंसलर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए, यूनिवर्सिटी से कमीशन लेने के लिए और आपसे फीस लेने के लिए आपको लो ग्रेड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बारे में बताते हैं जहां से पढ़ने पे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा और पैसे बर्बाद होंगे वो अलग। तो जैसे कि माझी द माउंटेन मैन मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, वैसे ही आप भी काउंसलर के भरोसे मत बैठो, अपनी रिसर्च खुद करना सीखो। अब आप बोलेंगे कि अगर इतना ही आसान काम होता तो प्रॉब्लम ही क्या था, टफ है इसीलिए तो नहीं हो पा रहा है ना। वेल, टफ है इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम उत्तम कुमार तंबोली है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपने यूनिवर्सिटीज और कोर्स को शॉर्टलिस्ट करने का एक टेम्पलेट शेयर करूंगा जिसने मुझे बहुत मदद की है अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आपको भी बहुत मदद करेगा और आपका काम जरूर आसान बनाएगा। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये टेम्पलेट एंटायरली ओरिजिनल नहीं है। मैं जब अपना रिसर्च शुरू कर रहा था तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्च की तो मुझे यूट्यूब पर एक पार्थ विजय वर्गीय नाम का एक चैनल मिला जिसकी वीडियो में उन्होंने अपना ये टेम्पलेट शेयर किया था। तो मैंने उसी टेम्पलेट को यूज किया और उसमें अपने नीड के अनुसार मैंने मॉडिफिकेशन किए हैं जो मुझे लगे कि इसमें ये चीजें भी होनी चाहिए। तो आज यही टेम्पलेट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। और इस टेम्पलेट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी भी कंट्री के किसी भी फील्ड के कोर्सेज के बारे में रिसर्च करने के लिए यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ये 100% इफेक्टिव है और ये आपके रिसर्चिंग और शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और इजी बना देगा। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना और टाइम लिए टेम्पलेट के ऊपर चलते हैं, बिकॉज वेस्टिंग योर टाइम इज अ क्राइम फॉर मी। तो मैंने इस टेम्पलेट को एक एक्सेल शीट में बनाया है जिसे आप अपने लिए रेप्लीकेट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसे ऐड कर दूंगा जहां पे जाके आप इसे डाउनलोड कर ले और अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो इस टेम्पलेट में मैंने एक एग्जांपल ऐड किया हुआ है ताकि उसके रेफरेंस से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के एंट्री को एज एन एग्जांपल रखा है जो कि मैंने अपने डेटा सेट से यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है और इसके रिस्पॉन्सेज से आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन फिल करने है टेम्पलेट में। तो शुरू में ये टेम्पलेट आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग सकता है या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि बहुत आसान है और आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते जाएंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहला कॉलम आता है यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे है आप वो भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड कॉलम आता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, यहाँ पे आप बहुत सारे रैंकिंग्स इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग्स प्रोवाइड करती हैं जिसके हेल्प से आप उनका लेवल जज कर सकते हैं या फिर उनकी रेपुटेशन जज कर सकते हैं। सो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल्स होते हैं जिनमें ये रैंकिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे ग्लोबली, कंट्री वाइज, फील्ड वाइज एक्सेट्रा। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद थर्ड कॉलम आता है यूनिवर्सिटी रिव्यूज फ्रॉम फॉर्मर स्टूडेंट्स एंड एलुमिनी। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारा प्राइमरी सोर्स जो है वो कि इंटरनेट है, तो इंटरनेट में सारे यूनिवर्सिटीज ने अपने वेबसाइट पे अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड की होती है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी अपने बारे में बुरा क्यों बोलेगा। तो वहां पे जब आप जाते हैं तो आपको हर चीज अच्छी अच्छी दिखाई देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छी नहीं होगी, पर हमें एक रियलिटी चेक मिलना बहुत जरूरी है। तो वो लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि अगर
आपके किसी आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके नेटवर्क में कोई वहां पे पढ़ा हो या फिर वहां से पढ़ रहा हो, तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो आपको सही रिव्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे कि आप लिंक्डइन में लोगों से बात कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, जो भी सोर्स आपको वैलिड लगे। जैसे कि अगर मैं लिंक्डइन का एग्जांपल लेना चाहूं, तो उसमें जो सर्च बार होता है वहां पे जाके आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने कोर्स का नाम जब सर्च करते हैं, तो जो हमें लिस्ट मिलता है उनमें वो सारे लोग रहते हैं जिनके एजुकेशन में वो यूनिवर्सिटी और वो कोर्सेज मेंशनड होते हैं, तो आप उन्हें मैसेज करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और वो आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि जैसा कोर्सेज में मेंशन किया हुआ है वैसी सारी चीजें है कि नहीं, रियलिटी में चीजें सेम है या फिर डिफरेंट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मदद करेगी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए। उसके बाद चौथा कॉलम आता है लिंक। यहाँ पे आपने जिस भी कोर्स के बारे में सर्च किया है उसका लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम जब अपने किसी कोर्स के बारे में खोजते हैं तो हो सकता है कि हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में खोजा और उसके बाद उसका लिंक हमें मिलता नहीं। जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो हो सकता है अगर आपका वो पेज मिसप्लेस हो गया तो आपको वो कोर्स दोबारा दिखे ही ना। मैंने ये देखा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सिमिलर नेम्स वाले कोर्सेज भी होते हैं, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए स्पेसिफिकली जो कोर्स आपने सर्च किया है उसका लिंक आपके एक्सेल शीट में होना चाहिए। उसके बाद पांचवा कॉलम आता है नेम ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि मैंने लिंक में जो एग्जांपल दिए वो यहाँ पे भी वैलिड है कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे उस कोर्स का नाम लिखना है। ये मैं इसलिए बार बार इतना बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है। जैसे कई बार मैंने देखा है कि एमएससी एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एमएससी एनवायरमेंट साइंस एंड मैनेजमेंट, एमएससी एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट डेवलपमेंट, तो हो सकता है आप जब रिसर्च कर रहे हो तो आपको सिमिलर लग रहा हो, लेकिन जब आप उसको वापस जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो उससे बचने के लिए नाम को स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद सिक्स्थ कॉलम आता है कोर्स रिव्यू फ्रॉम फॉर्मर स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई। जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू सर्च किया या फिर उसको उसके लिए लोगों को अप्रोच किया, सेम काम आपको अपने कोर्स के लिए भी करने का ट्राई करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई यूनिवर्सिटी जैसे बहुत फेमस है तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे जितने भी कोर्स पढ़ाए जाते हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसमें सही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी। तो जैसे आप लिंक्डइन में यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर रहे हैं वैसे ही आप यूनिवर्सिटी और कोर्स के बारे में भी सर्च करें। तो अगर आप ऐसे किसी इंसान से बात कर पा रहे हैं जो सेम यूनिवर्सिटी और सेम कोर्स पढ़ रहा हो जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हैं, तो आपको वो बहुत सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उसके बाद सेवंथ कॉलम आता है रिक्वायरमेंट्स का। हर एक यूनिवर्सिटी अपने हर एक कोर्सेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर रखती है, तो उन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। इसे समझने के लिए आप एग्जांपल भी देख सकते हैं जो कि मैंने अपने शीट में इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद आता है इंग्लिश रिक्वायरमेंट। जब हम फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश एलिजिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे आइल्स होता है, टॉफेल होता है, तो इन सारे रिक्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है आपको एडमिशन दिलाने में। तो यूनिवर्सिटीज के जो कोर्सेज होते हैं उनमें इनका रिक्वायरमेंट भी मेंशन होता है। जैसे अगर मैं आइल्स का एग्जांपल लेना चाहूं तो उसमें 8 बैंड्स होते हैं, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के जो कोर्सेज उनमें मेंशन होता है कि आपके सारे कैटेगरी में, मतलब आइल्स में 4 सेगमेंट्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो इन चारों में आपके 5.5 बैंड से ऊपर होने चाहिए या फिर 7 बैंड से ऊपर होना चाहिए या फिर एक भी कैटेगरी में 6.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो एक बेसिक एग्जांपल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को इस कॉलम में इंक्लूड करना है। उसके बाद आता है ट्यूशन फीस का सेक्शन। तो लगभग सारे यूनिवर्सिटीज अपने ट्यूशन फीस की वैल्यूज मेंशन करती हैं अपने वेबसाइट पे और अपने कोर्सेज में, तो उस वैल्यू को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। ये काम आप इंडिया के लिए भी कर सकते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज भी ये मेंशन करती हैं। इसके बाद आता है लिविंग एक्सपेंस। आप जिस भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि वहां पे रहने का खर्चा कितना है, वहां पे हॉस्टल की फीस अगर है तो कितनी है, अकोमोडेशन चार्जेस कितने हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने हैं। ये आपको जनरल एक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे मिल जाएगा या फिर इंटरनेट पे मिल जाएगा। और अगर आप फॉरेन में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके भी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, आप वहां भी देख सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं। वो डेडिकेटेड एक ऐसे कॉलम्स बनाते हैं जहां पे पूरा बाइफर्गेशन और एक एस्टिमेटेड एक्सपेंस लिखा होता है। उसके बाद आता है टोटल एक्सपेंस, जो कि आपके इन दोनों एक्सपेंसेस को मिलाकर बनेगा, जो कि ट्यूशन एक्सपेंस और लिविंग एक्सपेंस। यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट एक्सपेंसेस नहीं होंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपने वहां पे यहां पे मेंशन की होगी उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कोशिश करेगा कि उसे जितना ज्यादा रियलिस्टिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। जैसे कि आप यहां पे जॉब के एग्जांपल पे देख सकते हैं कि 50,304 पाउंड का खर्चा मुझे पड़ेगा अगर मैं एक साल का कोर्स परस्यू करता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में, जो कि इंडियन रुपीज में 50 लाख रुपीज के अराउंड पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे इंक्लूड करनी है। उसके बाद लिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है जो कि है फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप। जैसे कि हो सकता है आप में से किसी लोगों को प्रीवियस अमाउंट सुन के धक्का लगाओ क्योंकि
50 लाख रुपए से बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर इतना आप अपने घर से अपने जेब से नहीं लगा सकते। तो इसीलिए बहुत सारे स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फाइनेंशियल एड के रूप में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आप अपने एंड में बचा पाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट डेट्स, इंटेक्स और डेडलाइन। जैसे कि जब फॉरेन यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जनवरी इंटेक होता है या फिर सितंबर इंटेक होता है, तो उसके जो डेट्स होते हैं उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सिमिलरली इंडिया में भी जो यूनिवर्सिटीज के ओपनिंग्स होते हैं या फिर उनके एडमिशन ओपन होने के जो डेट्स होते हैं उसका एक रफ एस्टिमेट कभी कभी वेबसाइट में अवेलेबल होता है, तो उसे भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं तो हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को इसमें लिस्ट करते जाते हैं। अभी तो आपको यहाँ पे एक एंट्री दिख रही है, जब आप इसमें अपने डेटा भरना शुरू करेंगे हो सकता है आपका जो लिस्ट है वो 10 या 12 का भी आंकड़ा पार कर जाए। तो सीधी सी बात है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपके दिमाग से डेडलाइन निकल सकता है, और अगर आप डेडलाइन मिस कर देंगे तो आपको बहुत दुख हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है जो कि बहुत जरूरी है। और लास्ट कॉलम है हमारा करियर प्रोस्पेक्ट। आप जिस भी फील्ड में अपना कोर्स परस्यू करना चाहते हैं उसमें जो कोर्सेज है उसकी क्या करियर प्रोस्पेक्ट है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसको ऐसा समझिए कि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने पढ़ाई पे लगा रहे हैं, तो उससे आपको आउटकम कितना मिल रहा है उसके बारे में जितनी ज्यादा जानकारी आपको होगी आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट में उनमें करियर प्रोस्पेक्टस का एक सेक्शन होता है, नाम हो सकता है अलग हो जाए पर आप उसे देख के पहचान जाएंगे, जहां पे ये लिखा होता है कि ये कोर्स करने के बाद आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, आप कौन से पोस्ट में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है या कौन से सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कॉलम में ऐड करनी है और बस आपका एंट्री सेट रेडी होते जाएगा। तो इसी तरह आप अपने लिए बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज सर्च कर सकते हैं। एट द एंड में ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड हमेशा ही आपको मिलेंगे। तो बिना ये दोनों साइड जाने अपना पैसा और मेहनत इस पूरे प्रोसेस में लगाने से अच्छा है कि आप अपने लेवल पे रिसर्च कर लें और पॉजिटिव और नेगेटिव साइड फाइंड कर लें, ताकि आपको पता रहे कि जो नेगेटिव साइड है उसको आप बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं। और मैं फिर आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने अपना रिसर्च का प्रोसेस खुद किया है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपके साथ ये टेम्पलेट शेयर कर रहा हूँ। और ये भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि काउंसलर का हेल्प लेना गलत नहीं है और ऐसा नहीं है कि आपको उसके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने टोटल 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था और ऐसा नहीं है कि मैंने काउंसलर की मदद नहीं ली, मैंने 2-3 काउंसलर से बात भी की। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ तो यहाँ पे मुझे काउंसलर मिली, उन्होंने मुझे बोला कि वो मेरी अप्लाई करने में मदद कर सकती है या फिर वो मेरे लिए अप्लाई कर सकती है, पर फिर भी मैंने अपना रिसर्च का काम पहले किया। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करूंगा, जिसमें से 5 यूनिवर्सिटीज में मैं काउंसलर के थ्रू अप्लाई करूंगा और 5 यूनिवर्सिटीज में मैं खुद अप्लाई करूंगा, ताकि पूरा प्रोसेस मैं समझ सकूं। तो मैंने ऐसा ही किया और सबसे मजे की बात यह है कि जिन 5 यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया था उसी में से एक यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, जहां पे मैं अब जा रहा हूं। तो अप्लाई करने का डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूं, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इतना रिसर्च खुद कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप काउंसलर के पास जाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जिनमें से पहला है एप्रिसिएशन। अगर कोई अच्छा काउंसलर होगा तो वो आपके एफर्ट्स को जरूर अप्रिशिएट करेगा, और उससे भी बड़ी बात ये होगी कि उसे आपके डेटा के हेल्प से आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स फाइंड करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपने अपने सारे नीड एंड रिक्वायरमेंट्स को जज करके अपने प्रायोरिटी लिस्ट बना के आपने उसे दिए। अब आगे उसका काम है कि वो उसे वेरीफाई करे और आपके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर सके। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि कोई भी काउंसलर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आपका इतना रिसर्च देखने के बाद वो ये समझ जाएगा कि आपने अपने तरफ से मेहनत पूरी कर ली है और आपको वो बेवकूफ नहीं बना सकता। और तीसरा बेनिफिट होगा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट ही है जो कि हमारे रिसर्च में हेल्प कर सकता है, और ये सारे यूनिवर्सिटीज जानते हैं कि उन्हें अपने आपको प्रोजेक्ट कैसे करना है, तो वो सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट में डालते हैं। तो जब हम वो सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन, वो सारे अच्छे अच्छे इमेजेस वीडियोस देखते हैं तो हमें लगता है ये तो जन्नत है, ये तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। वो हो भी सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होने के कारण ये होता है कि हम अनरियलिस्टिक सपने देखने लग जाते हैं या फिर हमारा मन डोलने लग जाता है। तो जब आप इस टेम्पलेट को फॉलो करेंगे और आप लोगों से उनके एक्चुअल ओपिनियन और रिव्यूज फेच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था लेकिन रियलिटी थोड़ा सा उससे अलग है। जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी, जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ किए थे वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन देख के, उस पे आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा जिसके थ्रू आप एक ऑब्जेक्टिवली सही डिसीजन बना पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो इसी तरह अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में रिसर्च करने का एक टेम्पलेट चाहिए तो उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे आएगा जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि प्लीज आप बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल के नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर वीडियो आ चुकी होगी तो आप उसे आई बटन में चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इनकेस अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, आपके कुछ कंसर्न्स हो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज आप उसे कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें आंसर कर सकूं। तो मैं आप सबसे मिलता हूं अगली वीडियो में। उत्तम तंबोली साइनिंग ऑफ।